भाई शुरुआत होगी है बम फूटने की। लो ये बम फूटने की शुरुआत क्या की है वो बताऊंगा। बहुत 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 बड़ी खबर है फिलहाल। रोहित प्रेंजा प्रेंजा और इनका घूम जा और दिखा ये नारे लगा लाग रहे हैं। ब्लैक खुशी एक नीट डबल है और फिलहाल शाम में धूमधल धूम तम ना धूम में मैं एक आदमी खड़ा दिखेगा कुर्ते पजामे वाला जो चादर घेर रहा है उस आदमी के घर पर फिलहाल वो है रमेश लोहार रमेश बोर और उनने आज एक बहुत बड़ा पद जो है वो लिया है। और आ जाओ भाई साहब आ जाओ फिलहाल रमेश जी मुझे गए हैं। अरे भाई शामी आज भाई साहब राम राम भाई राम। ये एक बार नीचे चलांगे मैं बता दूं बहुत बहुत मतलब बड़ा बात है। आज बम फूटने लग रहे हैं के मामला है। ये सोदार फोन नहीं रुक रहे घर में बम फूटे हैं। रमेश जी के फोन नहीं रुक रहे हैं मामला माजरा। भाई साहब आड़े बैठ लिया चे आड़े भी ठीक से पीछे बाबा भोला है बाबा मस्तनाथ जी है। इस तो बढ़िया जगह नहीं हो सकती है नी गुलदस्ते ये बिस्कुट रहे भाई साहब एक क्वेश्चन मेरे पास छोड़ लो। खुशी कितनी हो रही है बता। खुशी तो ठीक है पहले भी वरिष्ठ प्रधान थे आप और खुशी तो खुशी कमर ही दिमाग में ये ज्यादा चल रही है कि अभी जो बच्चा का एक साल खराब हुआ है उसने रिकॉर्ड कैसे जल्दी कराऊं। अच्छा जी भाई थोड़ा है गेट बंद कर दे बम फूटने लग रहे भाई साहब भीतर चला चलो फिर भीतर बैठ के बात करांगे आराम तो। हाँ अच्छा ये बर्फीले का है भाई यार गेले है खुआ तो मैं खुआ भाई तुम लेनी है खुआ दो दे दो ना भाई साहब तो पकड़ो आ जाओ ये भाई गेल नहीं है और मतलब ताता लाग रहा लोग आने का बार 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 थोड़ा भाई साहब कोई नहीं उड़े ना जाएंगे आड़े बैठ के कर लिया आराम दे। रमेश भाई WFI हरियाणा के अध्यक्ष बन गए। WFI का नहीं हरियाणा का कुश्ती संघ का जी 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 भाई WFI तो बंगोली मैं सीधे एकड़वे सवाल दे शुरुआत करूंगा आराम दे बैठिए आप वाले उस पर जो नियम के तहत तब भंग होगी वैसे कह देगा तब भंग हो जाएगी। कोर्ट ने फैसला दे दिया ओलंपिक वाले कोर्ट ने तो कई डाल की बात चल रही है। कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी देख रेख में चुनाव कराए हैं और उस चुनाव में संजय सिंह हमारे जो WFI के अध्यक्ष हैं संजय सिंह जी और बबलू भाई वो 47 से वोटों से विजय रहे आपको पता है। एक तरफा जीत के बिला वो सुना था हमने डायलॉग है दबदबा है ब्रिजभूषण जी का दबदबा है दबदबा था दबदबा रहेगा ठीक है दबदबा है। मेरा सवाल है वो दबदबा रमेश लोहार के नाम का रमेश बोर के नाम का रोहतक में है हरियाणा में है उस दबदबे के हिसाब से इतना ले आए हो या सीट। दबदबा नेताजी का था नेताजी का है पर वो अपने क्षेत्र में है कुश्ती तो संन्यास ले चुके। आप अपने नाम पर कह रहे हो मैं रमेश बोर के नाम तो नहीं आ गया सीट डरते तो नहीं आ गई रमेश बोर के आ गए एक और शब्द ला गया करे गैंगस्टर यार जो लगी है जगह के भी दुख हो यार मेरे तो कदे 12 साल हो लिए मेरे को मुकदमा नहीं फिर गैंगस्टर फलाना डगड़ा ये तो व्यर्थ की बात है। जो बात चल रही है ना अपने बेरा में तो बात पूछ यार वैसे कपड़ा पहले इंटरव्यू लेकिन मैं बात पूछूंगा जो बात चल रही है उनकी अब रे हेरांगे के वो महर्षि वाल्मीकि भी के थर के बन गया था। बात विषय ये थोड़ा है बात ये है कि आप कितने समय से जन सेवा में लग रहे हो समाज सेवा में लग रहे हो बात ये है। ईबीओ पद आ गया है बहुत बड़ा पद है पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे लेकिन इब आप अध्यक्ष बन गए सब तो पहला काम उन्होंने कह रहे हैं एक सरकार बनिया पाछ तो वह पहली कलम झूठी मान्य करू मैं सरकार वाले की क्यों नेता तो फिर मैं कहूंगा तो भाई सानू कहें तो मैंने भी उससे तो लगा लेकिन पहली कलम तो फिर भी कौन सा काम करोगे देखो तो करण चौका काम हो उसकी यहाँ पर ना तक कलम चलती आठ रिजल्ट चल रहे हैं बच्चे की मेहनत के और हम क्या प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ये सोच रहा हूँ मैं मेरे दिमाग में कि जो बच्चा का एक साल खराब हुआ है उसने रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। एक साल की राज्य खुशी में बर्बाद हुआ है अगर ब्रिजभूषण जी पहले इस्तीफा दे देते दे एक साल के बर्बाद हो गए इस्तीफा उसके तो पूरे 12 साल हो लिए थे नहीं जब मांगे थे पहले इस्तीफा मांगे थे मैं भी
यो तेरा चैनल मांग लियो मत दे देगा तुम भाई नहीं तो खराब पेगा है बात समझे नहीं आप आपको चीज मांगनी है या कोई चीज हटाओगा या कोई चीज बैठाओगा बड़े सीनियर पहलवान थे तब वे पहलवान देश के लिए बहुत मेडल लाए हैं हम भी उनकी इज्जत करा हूं और उससे पहले भी बहुत पहलवान देश के लिए मेडल लेकर आए हैं हर एक पहलवान का समय होता है उनके समय में वे इंडिया की तोप रहे हैं उन्होंने अच्छे मेडल दिए हैं देश को पर ये तो समय डरता फिरता भाई सब अब और आएंगे कोई वे जाने के बाद और आएंगे वे जाने के बाद और आएंगे इब देखो सवाल मेरा अगला यू है मनीष ग्रोवर जी का सबसे खास खास दोस्त कह लो या प्रिय दोस्त कह लो आप हो पहलवान भी रहे हो इब रमेश भाई साहब मैं सीधी सी बात में पूछो मनीष ग्रोवर जी का कितना हाथ है क्योंकि मनीष ग्रोवर जी ने लोग कहे हुए तो है हरियाणा का दूसरा सीएम ठीक है मनीष ग्रोवर जी का कितना हाथ है आपकी या सीट लैंड मांगा तो चुकर दुगल आ गया नू को एक ले आप कहेंगे दबन क्योंकि सारे भाई है ना अंगा लगा आप तो चल अभी भाईचारे की गेल करो तो अंगा कितना लाया सच्चाई पूछूंगा देखो भाई इसमें मनीष जी राजनीति में लैनिया मनीष जी है मना और इसमें मनीष जी को शुभकामनाएं दी फोन आया मेरी बात हुई थी इतना ही मनीष जी का रोल है इसमें सच्चाई बता दो नहीं देखो या राजनीति थोड़ा यार देखो भाईचारा चैनल है भाईचारे में आप भी साथ दो भाईचारे का तो भाईचारे देखने लग रहा है सच्चाई पूछूं मैं उन दंगताना बर्बादता होता वो अलग बात है ना तो जो स्पष्ट बात है मैंने बता दी अच्छा। मनीष जी का अभी न्यूज के तहत बेरा पट्टे मेरी मैंने वार्तालाप करी मनीष जी ने शुभकामनाएं दी तो जो चल रही है WFI की भंग कर दी और नू कर दिया पहलवान आई जीत होगी जो पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पहलवान की सबकी नहीं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पहलवान उनकी जीत होगी अब देखो एक मोटी मोटी बात बताता हूँ पुलिस महकमे तो सबका पला पड़ा है